ब्लैक मैजिक, काला जादू, ये एक ऐसी सच्चाई है जिससे कोई मुकर नहीं सकता। इंडिया हो, इंडिया के बाहर हो, इंडिया के बाहर की कोई भी कंट्री इस सच्चाई से मुकर नहीं सकती। ब्लैक मैजिक यानी कि काला जादू, यानी कि डायन टोनहिन, ये सारी चीजें एक इंसान ही करता है शैतान को खुश करने के लिए, जिसको आप अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग नाम देके रखे हो। ये जो आज की स्टोरी मैं आप लोग को बताने वाली हूँ, यकीन मानिए बहुत ही ज्यादा खौफनाक स्टोरी है। आखिर एक छोटी से बच्ची के साथ ऐसा क्या हो गया जो उसकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद होने वाली थी, जो लड़की मरने वाली थी। सब कुछ मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से बताती हूँ। नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टैक्स के आज के बहुत ही ज्यादा खौफनाक से, सही मायने में डरावने से वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये स्टोरी मुझे विकास नाम के लड़के ने लिख के भेजा है, जो कि उड़ीसा का रहने वाला है। ये जो घटना घटी थी, उड़ीसा में स्थित एक बारगढ़ नाम के डिस्ट्रिक्ट में एक छोटे से गाँव में घटना घटी थी। आखिर वो घटना क्या थी, मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से बताती हूँ। ये जो विकास है, ये लोग उड़ीसा में एक टाउन में रहते थे, लेकिन एक दिन सुबह इनके घर पे कुछ ऐसा होता है जो इन लोगों ने कभी इमेजिन भी नहीं किए थे। ये जो आज की कहानी है पूरी फ्लैशबैक में जाने वाली है। ये लोग एक टाउन में रहते थे उड़ीसा में, और उनके ही जो विकास है, इनके ही गांव के एक मामा जी भागते हुए सुबह के 9 बजे इनके घर पे आते हैं, बिल्कुल हांफते हुए। विकास, उसकी मम्मी, पापा, भाई बहन सब टेंशन में आ जाते हैं कि मामा जी बिना बताए हमको ऐसे अचानक से आ रहे हैं और इतना ज्यादा घबराए हुए क्यों हैं। वो लोग तो सबसे पहले उनको बैठाते हैं, पानी वानी पिलाते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ, आपने फोन ऑन भी नहीं किया, आप अचानक से आ गए और इतने घबराए हुए क्यों हो। ये जो घटना घटी थी 2010 में घटी थी, और वो टाइम पे मोबाइल फोन्स आ गए थे, तो वो जो बताते ना, वो इनके लिए बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था। वो बताते हैं कि जो विकास है, उसके सगे मामा जी, उसके दो मामा थे, एक बड़े मामा एक छोटे मामा, उसके सगे मामा के छोटे मामा के एक लड़की के साथ कुछ बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ है। वो स्टार्टिंग से बताते हैं कि उनके गांव में एक औरत रहती है जिसका नाम निर्बनी है। वो बहुत ही ज्यादा खौफनाक औरत है। वो जो औरत है, सबसे पहले मैं आप लोगों को उसके बारे में बताती हूँ। वो जो औरत है, उसको इंसानों का खून पीना पसंद है, उसको ब्लैक मैजिक करना पसंद है, उसको नेग्ड बिल्कुल नंग अवस्था में शैतानों को खुश करती थी। रात के टाइम में डांस करना और यहाँ पे से दिया जलाना और अलग अलग टाइप के रिचुअल्स करती थी शैतानों को खुश करने के लिए। और उस गांव में सबको पता था कि ये औरत ये सब चीजें करती है, जिसकी वजह से उस गांव के सब लोग, अपने बच्चे बूढ़े और सब लोग उससे लगभग दूर ही रहते थे। वो जो निर्बनी नाम की औरत थी, वो बहुत ही ज्यादा वृद्ध थी, ओल्ड औरत थी, लेकिन ऐसी हरकतें करती थी उस गांव में। मतलब आए दिन किसी भी जानवर की डेड बॉडी उस गांव में मिलती थी, क्योंकि वो जो पीती थी, वो इंसान या जानवर को खून पी के ही अपनी प्यास बुझाती थी। वो देखने में एक औरत जैसी थी, लेकिन कहीं से भी वो एक औरत या एक इंसान नहीं थी, क्योंकि वो ऐसी चीजें करती थी। एक दिन क्या होता है कि वो औरत अपने गुरु के साथ, जो उसको ब्लैक मैजिक का ज्ञान दे रहे थे, सो कॉल्ड ज्ञान बोल सकते हैं, ब्लैक मैजिक सिखाना और वैसी हरकतें करना, तो वो गुरु उसको बताता है, वो एक पेड़ के नीचे जाके रात में कुछ रिचुअल करते थे, तो वो उसको गुरु बताता है कि तुम्हें इस अमावस्या की रात में एक बच्ची का बलि देना पड़ेगा, या तो लड़का हो या ये लड़की, लेकिन छोटे बच्चे होने चाहिए 10 साल से कम उम्र के। उसके बाद तुम अपनी जिंदगी में जो भी चाहती हो वो सब कुछ हासिल कर सकती हो, उस निर्बनी को उसका गुरु बताता है। वो ये सुन के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो सोचने लगती है कि क्या करना है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, एक छोटे से बच्चे की बलि तो देनी है, वो तो मैं आराम से दे दूंगी। वो इस सोच में पूरे गांव में बच्चों को ढूंढना स्टार्ट कर देती है, और उसके लिए खुशी की बात थी, क्योंकि उसको बच्चे मिल भी जाते हैं। ये जो विकास था, इसके छोटा मामा जो थे, उनके बच्चे, बड़े मामा के बच्चे और गांव के कुछ और बच्चे एक पेड़ के नीचे दोपहर के टाइम में खेल रहे थे।
वो जो निर्बनी आती है वहां पे बच्चों को बहुत ही प्यार से मीठी आवाज में उनसे बात करती है कि बच्चों तुम्हारे लिए मैं मिठाई लेके आई हूँ, ये लो मिठाई खा लो, तुम लोग बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, खाओगे तो बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। वो सब बच्चों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करने लगती है और जहां तक कि लगभग सब बच्चे उसके जाल में फंस भी जाते हैं, सब बच्चे रेडी हो जाते हैं मिठाई खाने के लिए। और जो ऐसी शक्तियां होती है, जो ऐसी डायने होती है, वो ऐसे किसी भी इंसान को अपने वश में कर सकती है। वो या तो बड़ा हो सकता है, बूढ़ा, कैसा भी इंसान हो, उसको ऐसे चुटकी में वश में कर सकती है, जैसा कि उसने ये छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ की थी। अभी क्या होता है कि सब बच्चे बिल्कुल रेडी हो जाते हैं खाने के लिए, हाँ हाँ लाओ दो हम खाते हैं, और तभी कुछ ही देर में उन बच्चों के खाने से पहले जो ये विकास था उसके बड़े मामा वहां से गुजर रहे होते हैं और वो देख लेते हैं कि वो निर्बनी उन बच्चों के पास खड़ी है और उनको कुछ खिलाने की कोशिश कर रही है। वो भागते हुए बच्चों के पास जाते हैं और उनके हाथ में जो भी चीजें रहती हैं वो मार के गिरा देते हैं। लेकिन वहां पे एक गलती हो चुकी थी, जो विकास है उसके छोटे मामे के एक जो छोटी लड़की थी ट्विंकल नाम की, जो 8-9 साल की होगी, वो मिठाई खा चुकी थी। लेकिन ये बात किसी को समझ में नहीं आता है। वो जो मामा थे, बड़े मामा, सब बच्चों को अपने साथ में लेके उनके गांव और उनके घर तक लेके जाते हैं, छोड़ के आते हैं। लेकिन इनकी जिंदगी में कुछ बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला था। ये जो लड़की थी ट्विंकल, वो निर्बने के वश में तो हो गई थी और उसके वश में होने की वजह से सेम रात को वो अपने घर से उठ के निर्बनी के पास चली जाती है और किसी को पता भी नहीं चलता है। मतलब ये लोग खाना खाते हैं, सो जाते हैं और वो रात में पता नहीं कब उठ के उसके पास जाती है, ये किसी को कानों कान खबर नहीं लगती है। उसके बाद से लोग ट्विंकल को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं, बड़े मामा, विकास के छोटे मामा, उनकी पूरी फैमिली वाले, बच्चे सब ढूंढते हैं। 2 दिन तक उनको कहीं पर भी ट्विंकल मिलती नहीं है, पूरे गांव में रिपोर्ट लिखवाते कहीं नहीं मिलती है। 2 दिन बाद कुछ बहुत अलग होने वाला था। 2 दिन बाद क्या होता है, जो ये विकास के बड़े मामा थे उनकी एक बड़ी बेटी वहीं से तालाब से, मतलब जिधर वो निर्बनी रहती थी उसकी एक झोपड़ी थी, उधर से ही एक तालाब था, वहां से पानी भर के ला रही थी। वो देखती है कि निर्बनी के घर के पास जो टंकी है वहां पे वो कुछ हरकतें कर रही है। वो सोचती है, उसके दिमाग में आता है कि मैं जाती हूँ देखती हूँ भला यहाँ पे ये कर क्या रही है। वो जो जाती और वहां पे देखती है उसके बाद शॉक्ड हो जाती है। वो देखती है कि निर्बनी ने जो अपने घर के पास टंकी रखी है, पानी की छोटी सी टंकी, जो टंकी खाली है और उसी में एक लड़की पड़ी हुई है जो कि विकास के छोटे मामा की लड़की ट्विंकल थी। वो ये चीज देख के, ये मंजर देख के बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो निर्बनी से पूछने लगती है कि तुमने क्या किया इसके साथ। उसके बाद जो निर्बनी करती है ना, आप शॉक्ड हो जाओगे सुन के। वो बोलती है कि मैंने इसको अपने वश में करके रखी हूं, मतलब तुम समझ लो एक तरीके से कि ये मर चुकी है लेकिन इसकी थोड़ी थोड़ी सांसें चल रही है। और आज से 4 दिन बाद अमावस्या की रात आने वाली है जिस दिन मैं इसका बलि दूंगी और उसके बाद जो मुझे चाहिए वो सब कुछ हासिल कर पाऊंगी। लेकिन तुम यहां पर आ गई हो और तुमने ये मंजर देख लिया है तो अब तुम भी नहीं बचने वाली। मैं तुम्हें तो मारूंगी नहीं, तुम्हारे मारने का कोई फायदा नहीं है अभी, लेकिन मैं तुम्हारा मुंह बंद कर रही हूं और उसके बाद तुम अपना मुंह कभी खोल नहीं पाओगी। निर्बनी पता नहीं क्या ऐसा ब्लैक मैजिक, कुछ जादू टोना करती है जिसकी वजह से जो ये जो ट्विंकल थी उसके बड़े पापा की लड़की जो देखी थी जो तालाब से पानी भरने आई थी, उसका मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाता है। वो घर पे जाती है, घर वाले बात करने की कोशिश करते हैं कि इतना लेट क्यों हुआ आने में, तो वो कुछ जवाब नहीं देती है। उसके बाद से उसका मुंह ऐसा लग रहा था कि हमेशा के लिए बंद हो गया, वो कुछ भी बात नहीं कर पा रही थी। घर वालों को बहुत ज्यादा टेंशन होने लगता है कि हमारी एक छोटी सी बच्ची ट्विंकल भी गायब हो चुकी है और साथ ही साथ हमारे घर की बड़ी लड़की, इसकी ऐसी हालत कैसे हो गई, इसका मुंह कैसे बंद हो गया। जो विकास के बड़े मामा थे अपनी लड़की को
कहीं उनके गांव में कुल देवी का टेम्पल है वहां पे लेके जाते हैं, वहां पे दिखाने के लिए कि वहां पे इनके गांव में कुछ भी प्रॉब्लम ऐसी होती थी तो उस कुल देवी के मंदिर जाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाता था। तो उसको लेके जाते हैं और वहां पे कुछ ऐसा पवित्र जल पिलाते हैं वहां के लोग जो थे पूजा पाठ कराने वाले। उसके बाद तुरंत 5 मिनट के अंदर विकास के जो बड़े मामा की लड़की थी उसका मुंह खुलता है, और मुंह खुलते से ही पहली चीज वो बताती है कि ट्विंकल को निर्बनी ने टंकी में बंद करके रखी है और अमावस्या के रात को वो उसको मारने वाली है, उसका बलि देने वाली है। ये बात सुन के सब लोग बौखला जाते हैं, सब लोग गुस्से से लाल हो जाते हैं, सोचते हैं कि इसको तो छोड़ेंगे नहीं, इसकी हिम्मत कैसी हमारे घर की बच्ची को लेके जाने की और उसकी बलि देने की। पूरे गांव वालों को इकट्ठा करते हैं विकास के छोटे मामा बड़े मामा और उसके घर के पास पहुंच जाते हैं, उसकी झोपड़ी के पास, छोटी सी झोपड़ी थी उसकी। वहां पे पहुंचते हैं तो झोपड़ी में ही उसके कुछ कमरे बने हुए थे, जाके देखते हैं कि वहां पे अंदर वाले कमरे में कुछ ब्लैक मैजिक करने वाली चीजें रखी है जहां पे वो शैतान को समन करती थी और उनको बुलाती थी, और उसके बाहर वाले कमरों में बहुत ही ज्यादा पैसे वैसे ज्वेलरी और बहुत ज्यादा सोना सब चीजें रखी हुई है। उनको समझ में नहीं आता कि झोपड़ी में रहती है इसके पास इतने सारे धन कहाँ से है और इतने सारे पैसे सब कुछ चीजें कहाँ से है उसके पास। वो सब कुछ वो लोग वहीं पे छोड़ देते हैं, कुछ उठाने की हिम्मत नहीं करते हैं और उसकी झोपड़ी में आग लगा देते हैं। सोचते हैं कि न रहेगा झोपड़ी, न यहाँ पे कुछ भी ब्लैक मैजिक करेगी, ना ही शैतान को शमन करेगी या कुछ भी करेगी। उसके बाद क्या होता है इनके साथ, ये तो सब कुछ सोचते हैं ये लोग कि लड़की को ट्विंकल को अपने घर पे ले जाते हैं, झाड़ फूक करवाते हैं, कुलदेवी के मंदिर ले जाते हैं, ट्विंकल ठीक हो जाती है, मतलब भगवान की दया से वो बच्ची बच जाती है, क्योंकि अगर अमावस्या के दिन उसका बलि दे देती तो बच्ची नहीं बच पाती। ये सब कुछ कांड होने के 2 दिन बाद ये जो जिनके साथ ये कांड हुआ जिस लड़की के साथ, उसके पापा जो ट्विंकल थे उसके पापा मार्केट में कोई काम से गए हुए थे, उनको वहां पे वो निर्बनी दिखाई देती है, उसको वो देखते से ही मारना स्टार्ट कर देते हैं, और जब उसको मारते हैं ना वो गुस्से में बिल्कुल लाल हो जाती है, उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो जाती है, जैसे कि वो ये जो विकास है उसके छोटे मामा को मार ही डालेगी, ऐसी हरकत करने लगती है। तब तक वो चिल्ला के पूरे जो भी मार्केट के लोग थे, मोहल्ले के लोग थे, सबको इकट्ठा करते हैं और सब लोग मिलके उस निर्बनी नाम के डायन को बहुत ही ज्यादा मारते हैं। उसके बाद पुलिस को कॉल करते हैं, पुलिस वहां पे आती है और उसको पकड़ के ले जाती है। जब उसको लेके जा रहे थे उस टाइम पे उसने एक चीज बोली थी कि तुम लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत किया, तुम लोगों ने मेरा घर जला दिया, तुम लोगों ने मुझे मारा, मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, पूरे गांव को बर्बाद कर दूंगी, एक बार बस मैं यहाँ पे आ जाऊंगी तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। लेकिन लकीली भगवान की दया से उनके गाँव में जो कुल देवी है उनकी दया से उनके गाँव में अभी सब कुछ ठीक है और ऐसा कुछ नहीं हुआ और निर्बनी उस गाँव में वापस कभी नहीं आई। लेकिन जो ये घटना बताए विकास के घर पे आके उसके गांव के मामा, उसकी वजह से विकास, उसकी मम्मी, उसके पापा सब लोग बिल्कुल हिल से गए थे। ये जो घटना घटी थी बिल्कुल भी नॉर्मल लेवल पे नहीं थी कि 2010 में ऐसी कोई खौफनाक घटना घट सकती है। आप लोग बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, मतलब ये बहुत ही ज्यादा खौफनाक डायन थी देखा जाए एक तरीके से। तो अगर अच्छा लगा होगा अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को देख लिया तो इस वीडियो को लाइक कर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर देना ताकि जब भी मैं नए वीडियो डालूं सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, वापस से कल मिलते हैं।